इसको देख लो, खुशी अलग है इसके चेहरे पे। लाल जूता फाइनल करा है भाई, ये वाला। एक ही ड्रेस है अभी, एक ही ड्रेस है। में कम से कम चार आ जाएंगे। चार है, हाँ, जूता तो महंगा है यार काफी। सुनने में आया नेपाल ने 230 रन मार दिए इंडिया के खिलाफ और मैच चल रहा है अभी इस टाइम, तो इंडिया की बैटिंग स्टार्ट होगी आधे घंटे में। अभी बस हम जस्ट ऊपर जा ही रहे हैं घर। इसको भी बता देंगे यार। जय करो एक बार ब्रूनो को, जय करो, प्रे करो कि खुश रहे वो जहाँ भी है। ये तुम रहने वाले नहीं जा रहे हो क्या? जाऊंगी, टाइम आ गया जाने का। कब है टाइम? बस अभी एक आध हफ्ते में। अरे जल्दी लाओ यार टाइम। तुम चुप रहो। पाकिस्तानी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान जीत जाती मैच बारिश नहीं होती, तो उन सब भाइयों को ये चीज बोलना चाहूंगा कि YouTube family, welcome back to our channel. एक नया दिन एक नया ब्लॉग। आज है 3rd September संडे और इस समय बज रहे हैं इवनिंग के 7:30। तो यार हम लोग घर से निकल गए अपने दिल्ली वाले और आज हमने जाने अपने गुड़गांव वाले घर, एज यूजुअल संडे रात को हम जैसे जाते हैं। बट अभी हम जा रहे हैं उससे पहले मेरी मम्मा के घर, तो यार वहाँ जाएंगे, उनसे मिलेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर निकलेंगे अपने घर रात को। खत्म हो गया वीकेंड और आ गया दोबारा मंडे। देख लो आज भी संडे को इतना ट्रैफिक है, हमें वैसे पूरे रास्ते मिला नहीं, बट अब हम पहुंचने वाले हैं तो यहाँ पे जाम है, पता नहीं क्या हो गया। तो यार ऐसा है अतिका की मम्मी के घर तो हम लोग पहुंच चुके हैं, हम ऊपर जाते हैं सबसे मिलते हैं। इन द मीन वाइल आप लोग ना वाली क्लिप्स चेक करो कुछ। रक्षाबंधन वाले दिन स्मार्ट ने मेरे को राखी करी थी, एक सेगमेंट शूट करी है, तो इतनी देर में आप वो चेकआउट करो जो हमने उसको लफाफा और उसको एक दो गिफ्ट वगैरह दिए थे और उसका रिएक्शन है उसके अंदर। ये खुश है क्योंकि अपनी मम्मी से मिलने आई है। मम्मी को फोन आया था, मम्मी का कि मिलने के लिए आओ, तो मैं इसके आज आया हूँ स्पेशली मिलने मम्मी से। हैप्पी रक्षाबंधन गाइस, मैं बना रहा हूँ इधर बैठ के टीका। ये देख लो यार, जो बनने बनने वाली है मेरे से। और ये स्मार्ट के गिफ्ट ले आया हूँ मैं, देख लो इधर ये सारे हैं। पता क्या है, मैं चेक करूंगा दिखेगा। आई यार, आई यार, एक और बंदे को करते थे राखी, आपको याद है? ब्रूनो, ये रहा, आओ एक बार आ जाओ इधर। जय करो एक बार ब्रूनो को, से करो, हाँ, प्रे करो, खुश रहे वो जहाँ भी है। चलो अभी बना ले और मेरे को बांध दे। स्मार्ट हो गया यार, सही में स्मार्ट हो गया, काफी आती है बंद स्मार्ट लग रहा है, कैसे हैं तो स्मार्ट लग जाता है कभी कभी। स्मार्ट ही हूँ, स्मार्ट इधर देख, देख उधर तो देख। अरे बस कर दे, कोई नहीं, लगा दे दोबारा, हल्का सा, बहुत कम, बहुत कम से कम, फिर मेरे को हो जाएगा। माय फेवरेट मिल्क केक, इतना बड़ा आधा कर दे यार। और ये तो ले ले यार लफाफा, बाबा और ये तेरे, अभी और आने वाले हैं, अभी और आ रहे हैं। हम लोग अब निकलने लगे हैं अतिका की मम्मी के घर से अपने गुड़गांव वाले घर के लिए, तो यहाँ से अभी हमें ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स लग जाएंगे बिकॉज ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। और हम अब सीधा घर पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं। तो यार ऐसा है, घर तो पहुंच गए हम लोग अभी, आपने देखा ही होगा यार स्मार्ट एकदम खुश हो गया था लफाफा और अपना गिफ्ट लेके। एक पेयर ऑफ इरेजर्स हैं उसके जो अभी आ रहे हैं, जो आए नहीं है, वो जैसे डिलीवर होंगे घर पे वो हम उसको दे देंगे। सिंक इन नहीं हो रही है वो चीज की कल जो मैच हुआ है वो वॉश आउट हो गया। उम्मीद अब मेरे को यही है कि 10 तारीख को जो मैच होगा वो प्रॉपर 50 ओवर गेम हो जिसमें दोनों साइड्स को पूरे 50-50 ओवर खेलने को मिले। पाकिस्तानी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान जीत जाती मैच बारिश नहीं होती, तो उन सब भाइयों को ये चीज बोलना चाहूंगा, ये क्रिकेट की गेम है और इस गेम में एंड तक आपको नहीं कि क्या हो जाता है, टिल द टाइम लास्ट बॉल नहीं डलती है। तो हमने पहले भी देखे हैं कई सारे कॉन्टेस्ट की कम से कम स्कोर भी भाई एंड तक मैच चले आते हैं, और वैसे भी पाली खेले की जो ये पिच थी 2 पेस थी तो कुछ भी हो सकता था। पाकिस्तानी सपोर्टर्स के जो पूरे सेंटीमेंट्स हैं मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ बिकॉज मैं एक इंडियन हूँ, मैं भी अपने देश को वैसे ही सपोर्ट कर रहा था जैसे कि पाकिस्तानी सपोर्टर्स अपने देश को कर रहे हैं। तो जैसे उनको लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाती बारिश ना आती, तो ऐसे ही हमें भी लग रहा था कि यार बारिश अगर ना आती तो इंडिया डिफेंड कर लेती 266। ऐसे ही है यार, दोनों देशों में ये जो क्रिकेट की एक राइवलरी है भाई, सबसे बेस्ट टाइम होता है, एशेज से भी बड़ा मैं इसको मानता हूँ। The next morning. Good morning guys. यार मैं उठ गई हूँ, बज रहे 6:45 और मैं करी फटाफट लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी, दीदी भी आ गई है काम करने, सुदीप भी उठने वाला है, फिर होते हैं रेडी और निकलते हैं ऑफिस के लिए। तो यार ये मैं बना रही हूँ मखाने ऑफिस ले जाने के लिए, थोड़ी देर मैंने रखे हैं 10 मिनट ताकि सॉटे हो जाए। ये बन रही है लंच के लिए आलू की सब्जी, ये सुदीप को बहुत पसंद है, पराठों के साथ खाता है वो, ये खड़े मसाले डाल के बनाई है। यार ये मेरे ब्रेकफास्ट के लिए ग्रैनोला बोल तैयार हो गया है, ये है नट्स, प्रूनस और ये ग्रैनोला, ये ग्रीक योगर्ट और ये प्लम। लेटर दैट सेम इवनिंग, तो यार ऐसा है शाम हो चुकी है, ऑफिस से हो चुके हैं हम लोग फ्री और अब हम जा रहे हैं घर वापस। बहुत ट्रैफिक है, आज मंडे है बिकॉज लास्ट वीक जो छुट्टी थी उसके चक्कर में आज एकदम से लोग आए हैं वापस काम करने ऑफिसों में,
तो इस टाइम पे अभी हमें निकले हुए भी आधा घंटा हो गया, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर पाए हैं। तो इतनी देर में हम घर पहुंचते हैं। लास्ट वीक हम लोग गए थे शॉपिंग करने, इसने मुझे शॉपिंग कराई है, मैंने इसे शॉपिंग कराई है। तो वहां पे हमने कुछ क्लिप्स शूट करी थी। जब तक हम घर पहुंचते हैं आप वो क्लिप्स देखो और हम लोग आपसे घर पहुंच के मिलते हैं। जब तक मेरे हस्बैंड की डिमांड है कि उसको एडिडास, नाइकी या पूमा के शूज़ लेने हैं, स्पोर्ट्स शूज़, प्लस इसको एक अपने लोफर्स भी लेने हैं। तो वो कह रहे हैं आज कैसे भी लेने हैं लेके दे, तो आज उसको मैं लेके देने वाली हूँ कुछ कुछ चीज़ें। आज इसका देना यार, ये लेके देते हैं, आज मैं लेके दे रही हूँ। बस यार खा के जाएंगे नीचे लेने। ये डोसे की इतनी बेरहमी से हत्या करी है इसने, देख लो इधर खाने से पहले। ऐसा क्यों करा तुमने यार? टेबल पर टच हो रहा था, फिर मैं खाती नहीं तो टेबल पर टच हो तो तुम हत्या कर दी तुमने उसकी। 3 सेकंड रूल मैं फॉलो नहीं करती। ये देख लो यार टूट गया बेचारा, टिक्की आ रही है वहाँ से हल्दीराम से। बस इसको देख लो, खुशी अलग है इसके चेहरे में। लाल जूता फाइनल करा है भाई, ये वाला का जूता लाल। रेड कौन लेता है आजकल? यही कलर तो चल रहे हैं, बाकी कुछ चल ही नहीं रहा है। फैब इंडिया आए थे हम, और जूते जो इसने मुझे लेके दिए उसके बदले में देख लो यार, एक ही ड्रेस है अभी। एक ही ड्रेस में कम से कम 4 आ जाएंगे सारा। हाँ जूता तो महंगा है यार काफी। मैं एक चीज जरा फॉर्म बिल करा रही हूँ। अब क्या ले लिया भाई, मैंने करवा तो दिया बिल। अच्छा ग्रीन टी शर्ट यूसीबी पे आए हैं, ट्राई करी है अभी मैंने, बहुत बढ़िया लग रही है मेरे को, मैं ये भी लेने लगा भाई। भाई साहब ऐसा है, घर तो पहुंच गए, पार्किंग में उस टाइम पे गाड़ी लगाई है, सुनने में आया नेपाल ने 230 रन मार दिए इंडिया के खिलाफ और मैच चल रहा है अभी इस टाइम। तो इंडिया की बैटिंग स्टार्ट होगी आधे घंटे में, अभी बस हम जस्ट ऊपर जा ही रहे हैं घर। यार ये तो मतलब स्कोर तो ठीक ठाक बन गया है अगर मैं श्रीलंकन पिचेस के हिसाब से देखूं। बाकी बहुत ही इनएक्सपीरियंस टीम है नेपाल की बॉलिंग के अंदर, शाइन एंड कंपनी के साथ तो टॉप ऑर्डर चला नहीं। तो अब देखते हैं यार आज का बनता है हिसाब किताब। कैसा लगा फिर कल मम्मी से मिलके? बहुत बढ़िया यार। तुम रहने वाले नहीं जा रहे हो क्या? जाऊंगी, अब तो अब टाइम आ गया जाने का। कब है टाइम? बस अभी एक आध हफ्ते में। अरे जल्दी लाओ यार टाइम। तुम हाँ, और जब 2 दिन बाद मन नहीं लगता मेरे बिना, फिर आ ही जाओगे 2 दिन में तो आ ही जाओगे वापस। बोलो बोलो। 2 दिन से ज्यादा थोड़ी जाओगे। कब है, कब जा रहे हो? अगले हफ्ते? चलो सही है भाई, अगले हफ्ते। और आ जाना संडे से पहले, लेकिन क्योंकि संडे को इंडिया पाकिस्तान है। फिर नेक्स्ट संडे तो मैं यही हूँ। अच्छा नेक्स्ट संडे उसके नेक्स्ट जाऊंगी। फाइनल भी हो सकता है इंडिया पाकिस्तान। भाई साहब इतना लांती एशिया कप है मैं क्या बताऊँ। तो बारिश आई जा रही है बार 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 बार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा श्रीलंका में एशिया कप कराया क्यों है। आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान होस्ट है और इंडिया नहीं जा सकती वहाँ ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स, और पाकिस्तान भी ऑब्वियसली यहाँ नहीं आएगी। मेरे को एक बात बता दो सारे, श्रीलंका में बारिश थी बांग्लादेश में नहीं करा सकते थे? वहाँ भी तो क्रिकेट के ग्राउंड है, वहाँ भी तो मैच होते हैं, वहाँ क्या दिक्कत थी भाई? जब सबको पता है मानसून पीक पे है यहाँ पे, हर मैच में बारिश आ रही है और ऊपर से 50 ओवर का मैच है भाई, लंबा मैच है, हल्की सी भी बारिश आ जाती है तो टाइम लगता है भाई यहाँ पे। उस दिन वॉश आउट हो गया, फिर से बारिश आ रखी है भाई, मेरे को समझ ही नहीं आ रही ऐसे कैसे होगा यार। एशिया कप का तो पूरा मजा क्रिकेट हो रहा है बारिश की वजह से, बहुत अजीब सा लग रहा है यार, मूड सा खराब हो रहा है सब चीजें देख के। बकवास।